हेलो गाइस, राम राम अनीता गुजरका। सो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स रेसिपी। देखिए रोटी बनाने की, मिस्सी जो रोटी है मैंने लिया है मोटा आटा एक कटोरी। उसमें मैंने डाला है घी, थोड़ा सा मौन जितना घी, आप देखना कितना डालना है। मैं अभी इसको मिक्स करके बताऊँगी आपको। मैंने आटे में घी है जो मिक्स कर लिया है अपने हाथों से। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करना है। आटे में घी मिक्स करने के बाद में इसको हाथ से उठा के देखना है अपन को। इतना घी मिक्स करना है इसके अंदर कि मुट्ठी बंद हो जाए, मुट्ठी बंद हो जाए। जैसे ही मुट्ठी बंद होने लगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम सही लेवल पे है, बिल्कुल ना ज़्यादा है ना कम है। एकदम देखिए बिल्कुल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी बनने लग गई है। आप देख सकते हैं मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर आटे में घी मिक्स हो गया है। अब अपन इसके अंदर डालेंगे हल्का सा नमक। ये देखिए मिक्स हो गया, मुट्ठी बन रही है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कैसे आटा हो रहा है। अब इसके अंदर अपन डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच नमक लिया मैंने और इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया और आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया। हल्का हल्का पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, नहीं तो आटा चिपकने लगेगा, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इसके अंदर मौन है। ये देखिए नरम हो गया, आटा गूंथ के तैयार हो गया अपना। अब इस पर हल्का हल्का घी भी लगा सकते हैं, हल्का हल्का मौन के लिए घी लगाएंगे। ये देखिए मैंने हल्का सा इसके अंदर घी लगाया है, ऑयल भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये बिल्कुल डो जो है अपना तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने इसको पूरी लोइयाँ बना ली आटे की, छोटी छोटी लोइयाँ बना ली आटे की। और मैंने जो तवा है अपना गर्म करके रख दिया है और इसके बाद मैं इनको बेलने वाली हूँ। हल्का हल्का घी अपन चकले पे लगाएंगे, जिस पे भी आप बेल रहे हैं। घी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे लोई को, ताकि इसमें लंबी सेप आ सके, नान जैसी रोटी जो अपनी है वो लग सके। फिर मैंने इनको लंबा हल्का हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा के और फिर इसको मैंने लंबा बेलना स्टार्ट कर दिया। बहुत हल्के हल्के हाथों से, नहीं तो टूट जाएगी, क्योंकि मौन की रोटी होती है और ज़्यादा दबाव देने से टूट जाती है। तो मैंने इसको लंबा बेला है, पतला बेला है थोड़ा थोड़ा, तो इसकी साइज़ मोटी भी रख सकते हैं आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत पतला हो, मैंने ज़्यादा पतला नहीं बेला है, मीडियम साइज रखा है, ना मोटा है ना पतला है। इसको मैंने लंबा कर लिया है और देखिए मेरी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। और उधर मेरा जो तवा था वो मैंने गैस पर चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। इसको देख लें ये गर्म हो गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ऊपर से पता चल जाता है कि तवा गर्म हो गया है। हल्का सा इस पर घी अपन रखेंगे, हल्का सा घी लगाया है। घी लगाने के बाद इसमें देखिए जो उठने लग गया, पूरे घी को अपन फैला देंगे पूरे तवे पे। फिर देखिए मैंने रोटी की सहायता से इसको पूरे घी को फैला दिया है ताकि हाथ ना चले। उसके बाद मैंने ये दो चपाती दोनों तवे पर रख दिया, एक तवे पर दो चपाती रख दिए। मैंने गैस को मैंने फुल कर दिया है, पहले सिम पे थी। ये देखिए अब देखिए एक साइड सिक गई हमारी रोटी। अब हम दूसरी साइड में रखेंगे, पलटेंगे इसको, दूसरी साइड से अच्छे से सेकेंगे, दूसरी साइड से अच्छे से सेकेंगे रोटी को। ये देखिए सिक रही है हमारी रोटी। मोटा आटा है तो थोड़ा टाइम लगता है रोटी सिकने में, अगर आटा पतला होता है तो जल्दी सिकती है, और जब मोटा आटा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है रोटी पचने में, तो उसको धीरे धीरे पचने दीजिए। अब मैंने गैस को सिम कर दिया एकदम से। गैस सिम करने के बाद थोड़ा थोड़ा रेड रेड होने लगती है रोटी, यानी कि ब्राउन होने लगती है एक साइड से, नीचे की साइड से। उसके बाद रोटी को हटाना है, मैंने दूसरी गैस ऑन की है। दूसरी गैस ऑन करने के बाद मैंने इसको चपाती ली और देखिए चपाती सेकना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही करके मैंने एक एक करके सारी चपातियाँ, जितनी भी लोई बनी थी सारी चपातियाँ एक एक करके मैंने सारी सेक ली हैं, जितनी भी चपातियाँ थी एक एक करके पूरी। देखिए धीरे धीरे आराम से सेकना, बार बार उठाते रहना। हल्का सा देखो मोन गया था मेरा, क्योंकि मोन होता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा भी अगर अपन टाइट कर देते हैं या खींच देते हैं तो रोटी टूटने का डर रहता है। देखो ये हल्का सा टूट गई, ताकि ये पूरी रोटियाँ और रोटियाँ भी देखो लाल सीखनी पूरी। हल्का सा इसके अंदर देखिए दबाव में दिया है, हल्का सा भी दबाव में दिया है। हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको सेक लिया है, गैस को सिम किया, वापस एक एक करके बारी बारी से सारी रोटियाँ सेक ली हैं। आप देख सकते हैं मैंने कैसे आराम से बड़ी इजी रोटियों को सेक लिया है। और ये मैंने की है धीरे, इसमें मैंने सिम पे करके क्या
सारी चपातियाँ मेरी जो है बन के तैयार हो गई हैं, एक एक करके मैंने सभी को सेक लिया है। ये रोटी खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है और पेट के लिए इतनी अच्छी होती है, जैसे पेट में कभी दर्द हो रहा हो या कोई तकलीफ हो रही हो या कोई बुजुर्ग है जिनसे खाई नहीं जाती हो, तो ये रेड और अंदर से इतनी सॉफ्ट होगी क्योंकि इसके अंदर अपन ने मोहन डाला है यानी घी डाला है। घी डाल के हमने इस रोटी को सेका है, बाहर से एकदम टाइट है, पचने में बहुत ईजी होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। जिनका पेट खराब हो जाता है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण इलाज है ये। और यहाँ पर हमारे राजस्थान में डिलीवरी में भी इस रोटी को खिलाया जाता है। इसके अंदर अजवाइन डालने से ये पाचन क्रिया पर बहुत जल्दी असर करती है और पचने में आसान होती है। अब इस एक एक करके मैंने सारी रोटियों पर घी अच्छे से और लगा दिया है, ऊपर से एक एक करके घी लगाया, चम्मच से इसको गोद दिया, उसके बाद इसको वापस से घुमा दिया है। चम्मच से गोदने के बाद आप जितना चाहे इसमें घी डाल सकते हैं। ऐसे करने से क्या है कि घी आसानी से अंदर चला जाता है, जैसे कभी कोई अजवाइन का दाना भी आपके सामने आ जाए तो अजवाइन का जो दाना है वो कड़ा नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने एक एक करके पूरे में टच कर दिया है इसको स्पून की सहायता से, पूरा चम्मच की सहायता से पूरे से गोद दिया। उसके बाद मैंने इसमें घी और लगा दिया है। ऐसे करके मेरी चपातियाँ जितनी भी बनी हुई थी सब पर मैंने घी लगाया, एक एक करके कट किया। कट करने के बाद इसके अंदर मैंने दूध दे दिया, थोड़े अच्छे से कितनी सुंदर लग रही है। मैंने पिज्जा कटर लिया और इसको बीच से कट कर दिया। पिज्जा कटर लेने के बाद में बीच से कट करने से ये इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल भी जो हमारी रोटी है ये देखने में इतनी प्यारी लग रही है, जैसे कि सारी इतनी बड़ी रोटी खा नहीं पाते हैं तो बच्चे हैं तो जो छोटे छोटे कट करके मैंने जो रख दिए हैं पीस के रूप में, जो बच्चों को पसंद भी आता है उसको मैं कहा प्लेटिंग करेंगे। मैंने प्लेटिंग की है इस टाइप से, मैंने चारों तरफ से छोटी प्लेट में लगा दिया है मेरी बिटिया के लिए। अब मैं परोसने वाली हूँ। अब मैंने थोड़ा थोड़ा घी और डाला है ताकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है घी की, तो बेटी ऐसे नहीं खाती है तो ऐसे ही खाएगी। इसके बाद मैंने ये बनाई धनिया टमाटर की चटनी। उसके बाद मैंने इसको धनिया टमाटर की चटनी को इसके बीच में ऐसे पिज्जा की तरह लगा दिया है, जैसे एकदम पिज्जा बन गया हो, ताकि हमारी जो चुटकी है उसको खाने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद मैंने दही थोड़ा सा लिया है, आप मीठा भी ले सकते हैं, फीका भी ले सकते हैं। एक सब्जी है उसके साथ में अचार है, मिर्च और करौंजे मैंने बनाए थे, साइड में ये भी मिर्ची है तो मैं ये अपनी ये मैं गुड़िया को देने वाली हूँ। ये पापड़ है या अचार है, अब इसमें जो भी वो खाएगी, जो भी उसको पसंद आएगा वो खा सकती है, थोड़ा तो खाएगी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी बताइएगा कमेंट करके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, जो मेरी जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी मेरी वीडियोस में आप जैसा भी चाहते हैं कि मैं कुछ अलग दिखाऊं, डिफरेंट दिखाऊं, जयपुर में जो भी हो।